नमस्कार, मैं नीदा सैफी। देख रहे हैं आप महाखबर, सही गलत का सिलेक्शन, बिहार इलेक्शन। जी हाँ, शोभा सिन्हा अपने क्षेत्र में किस तरीके से लेकर आने वाली है विकास, इस पर बात की है हमारे संवाददाता नदीम हसन ने। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर और आज मैं आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहा हूँ जो कि एक यहाँ की बेटी है, यहाँ की बहू है और पूर्व विधायक रह चुके राजा के रामस्वरूप पासवान की पुत्र भी हैं, जो हमारे चैनल महाखबर से जुड़ने जा रही हैं और अपनी बातों को रखेंगे। क्योंकि चुनाव है 2027 विधानसभा से, ये उन्होंने नामांकन किया और क्षेत्र में भी जा रहे हैं, काफ़ी अच्छा इनका वहाँ पर क्रेज बढ़ता जा रहा है और बहुत ही कम समय में इन्होंने अपना जान पहचान बना लिया लोगों के बीच में और लोगों की जो इनके प्रति जो जागरूकता है, इनके प्रति जो रुझान देखने को मिल रहा है, क्योंकि मैं भी क्षेत्र में जा रहा हूं तो लोगों को यही सुनने को मिल रहा है। इस बार हम लोग का जो मूड है वो LJP की तरफ से है, लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से है, शोभा सिन्हा का हम लोग समर्थन करने जा रहे हैं। एक वक्त ऐसा भी लग रहा था कि जो चुनाव है वो उदयनंद चौधरी बनाम गीता दामांझी के बीच में, लेकिन 2-3 दिनों से इधर जो है लोगों का मूड बदल चुका है और सीधा जो टक्कर दिखा जा रहा है उदयनंद चौधरी और शोभा सिन्हा के बीच में। और इन्हीं चंद बातों पर हमारे साथ बात करने के लिए तैयार है शोभा सिन्हा जी, स्वागत है मैम आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सवाल आपका है, आपने नॉमिनेशन कर लिया, क्षेत्र में भी घूमना शुरू कर दिए हैं, जब क्षेत्र में जा रहे हैं तो आपको कैसी फीलिंग हो रही है लोगों के बीच? मैं क्षेत्र में जा रही हूँ, बहुत अच्छी फीलिंग मुझे आ रही है, इसलिए कि यहाँ की मैं बेटी हूँ, बहू हूँ, इसलिए बहुत ही अच्छा सभी लोग मुझे स्वागत करके बुलाते हैं और अपनी बातों को रखते हैं और मेरी बातों को सुनते हैं। अभी बहुत कम लोग जो है आपके चेहरे से वाकिफ है, चेहरे से वाकिफ नहीं है, बहुत कम लोग नहीं जानते आपका चेहरा तक नहीं देखे हैं, बावजूद उसके जो है लोगों का क्रेज दिन प्रतिदिन आपके काफी बढ़ता जा रहा है। ऐसा नहीं है, मेरे ससुर जी यहाँ के विधायक रह चुके हैं और मैं भी यहाँ से जिला परिषद के अध्यक्ष रह चुकी हूँ, इसलिए मैं इस क्षेत्र के लिए नई नहीं हूँ, खास करके मैं यहाँ की बेटी और बहू दोनों हूँ, इसलिए नई तो मैं हो ही नहीं सकती हूँ। मैं घर की बेटी बहू हूँ और सारे हमारे परिवार हैं, दर्जियन हैं, भाई हैं, बहन हैं, सारे लोग जानते हैं कि शोभा सिन्हा हमारे घर की बेटी है, बहू है, इसलिए मैं नहीं मैं यहाँ के लिए नहीं। अब आपका जो है उम्मीदा क्या हो सकता है इमामगंज विधानसभा से, कितना विकास हुआ जब आप क्षेत्र में जा रहे हैं तो आपको विकास कुछ दिखाई दे रहा है? विकास तो दिखाई दे ही रहे, जैसे 15 साल माननीय विधानसभा अध्यक्ष यहाँ रह चुके हैं, नेतृत्व कर चुके हैं और 5 साल पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी भी नेतृत्व कर चुके हैं, लेकिन यहाँ के लोग संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए बस इन लोग के काम है चुनाव जीत करके यहाँ से चले जाने जाना और यहाँ के लोग को जो मुद्दा है, जो दिक्कतें हैं वो समस्या हल नहीं हो पा रही है, इसीलिए मैं घर की बेटी हूँ और सारे लोग मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं कि बेटा आप आइए और हम आपके साथ हैं, चाहे कितना भी हो, बहु भली हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे परिवार लग रहा है, सारे लोग हमारे गार्जियन लोग, सारे इमाम विधानसभा के सारे तमाम गार्जियन आशीर्वाद मुझे दे रहे हैं कि बेटा आप आओ और तुम घबराओ नहीं, इसलिए मैं निश्चिंत हूँ, यहाँ के पूरा परिवार मेरे साथ दे रहे हैं, मैं चुनौती नहीं दे रही हूँ, यहाँ की जनता स्वीकार मुझे करके और मुझे यहाँ पे चुनाव में लाने के काम किए। मुद्दा आपका क्या हो सकता है जो इमामगंज विधानसभा बहुत ज़्यादा विकास करे? मुद्दा यही है कि जब मैं नेतृत्व अभी जो विधानसभा चुनाव है, मुझे विधानसभा नेतृत्व करने का मौका यदि इन लोग सारे परिवार मिल के दिए तो यहाँ जो भ्रष्टाचार जो बढ़ते जा रही है मामले विधानसभा में, सबसे पहले मैं उसको खत्म करने के काम करूँगी और विकास तो जितना भी विकास हो सकेगा, विकास में कहीं कोई दिक्कतें नहीं होगी, जब हम घर के बेटे हैं तो विकास खुद ब खुद हमको दिमाग में रहेगा कि हमको कितना विकास करना है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, दो का दावा नेता है, मैं भी जा रही हूँ, हमारे इमामगंज विधानसभा की तमाम जनता भी जा रही है, मैं जनता पे विश्वास कर रही हूँ, कदावर नेता जनता बनाती है, कदावर नेता खुद नहीं बनता है,
इसलिए मैं जय हिंद जनता पे विश्वास कर रही हूँ और सारे लोग मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। वो चुनाव के बाद सारे कद्दावर नेता अपनी जगह कद्दावर नेता मैं सारे अपना जनता को मानती हूँ। आखिरी सवाल मैं, चुनाव अगर आप जीत लेती हैं यहाँ से उसके बाद आप क्षेत्र में रहेंगे या फिर आप भी बंद ऐसी कमरों के बीच में रहेंगे? नहीं, मैं चुनाव जब जीत जाऊंगी सारे लोग मुझे आशीर्वाद देंगे, चुनाव जिता करके जब विधानसभा के लिए जब भेजेंगे तो जो भी समस्या इमामगंज विधानसभा के होगी वो मैं विधानसभा में वहाँ पे पूरा पुरजोर तरीका से उठा करके इस समस्या को समाधान करवाने का काम करूँगी। और यहाँ के मैं बेटी हूँ और बहू हूँ तो बेटी बहू को घर संभाल के रखने का काम होता है, वही मैं अपने विधानसभा के लोगों के साथ में उसी तरह से व्यवहार करूँगी। सारे लोगों के जो भी समस्या रहेगा मैं कोई ऐसी में रहने के काम नहीं करती हूँ। जैसा यहाँ पे है कि मैं अपने घर में हर महीना में हर 15 दिन पर आकर के यहाँ की जो भी जनता के जो भी समस्या रहेगा मैं यहाँ पे सुन करके उसको समाधान के करने का काम करूँगी। इसीलिए कोई यहाँ की जनता के कोई परेशानी नहीं होगी। मैं सभी से निवेदन और अनुरोध करना चाहती हूँ कि मैं यहाँ की बेटी बहू और आप सब जिस तरह से आशीर्वाद दे रहे हैं उसी तरह से मैं खड़ी उतर करके आप लोग के बीच में विकास करने के लिए यहाँ पे मैं खड़ी रहूंगी। शांति भाव अपना विधानसभा शांतिपूर्ण में सुरक्षित तो ये रहे, इस तरह के मैं यहाँ पे आप लोगों के बीच हमेशा समस्या सुनने का काम। जी मैं बहुत शुक्रिया। तो ये थी शोभा सिन्हा LGBT के उम्मीदवार इमामगंज विधानसभा से हमारे साथ बात कर रही थी और अपनी सारी बातों को हमारे चैनल के विभाग से रखा और ये भी कहा कि जो भी यहाँ का समस्या होगा हम बहुत आसानी से इसको सुलझा देंगे और महीने में हम दरबार लगाएंगे, यहाँ की जनता को बात सुनेंगे, हर समस्या को हम हल करेंगे। और मैं इनका शुभकामना देना चाहता हूँ कि ये चुनाव यहाँ से जीत कर जाए और यहाँ के विधानसभा के लिए बेहतर काम करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पे इमामगंज विधानसभा में कोई समस्या यदि मुझे जिम्मेवारी जिस तरह से मुझे आशीर्वाद मिल रहा और जिम्मेवारी देने के लोग मन बना रहे हैं तो मैं उसी तरह से खड़ी उतरूंगी और यहाँ के सारे जनता की समस्या का समाधान करूंगी। और किन्हीं को पटना जाने की जरूरत नहीं होगा मेरे पास, किन्हीं को गया मेरे पास जाने की जरूरत नहीं, मैं खुद चल करके और अपना घर में आकर के समस्या सुनूंगी और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपनी समस्याओं को समाधान करने का काम करूँगा। बिजली का भी वही समस्या है, किसानों के लिए पूरी तरीके से बिजली नहीं मिल पा रही है, नल जल का पानी नहीं मिल पा रहा है। तो आप अगर चुनाव यहाँ से जीत कर जाएंगे तो जनता के लिए क्या करेंगे? मैं यहाँ से चुनाव जीत करके जाऊंगी तो जितना भी योजनाएं हैं उसको मैं फिर से उसको रिपीट कर करके जहाँ जहाँ योजना जो भी चल रहा है और नहीं हो पा रहा है उसको मैं वहाँ विधानसभा में मुद्दा उठा करके फिर से चालू करवाने का काम करूंगी। तो ये थी कुमारी शोभा सिन्हा लोक जनशक्ति पार्टी की गया से प्रत्याशी, जिनका कहना है कि विकास के लिए और अपनी परेशानियों के लिए लोगों को मेरे पास पटना नहीं आना पड़ेगा, मैं खुद उनके क्षेत्र तक आऊंगी, गया तक आऊंगी और उनकी सारी परेशानियां सुनूंगी। बिहार चुनाव की महाकवरेज के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हमें YouTube पर देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और Facebook पर हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारा पेज लाइक और शेयर करें। मिलेंगे आपसे अगली बार। धन्यवाद।